हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षल मुदिराज और आज का टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड गुड ट्रैप्स या फिर हाउ टू बिल्ड बिग ट्रैप्स। ट्रैप्स मसल जो जो बिगनर्स के लिए ट्रैप्स मसल होता है वो होता है ये मसल। अगर आप किसी बिगनर को पूछेंगे कि ट्रैप मसल बताओ या फिर नेक मसल या फिर कॉलर मसल, बहुत लोग उसे कॉलर मसल बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों कॉलर मसल बोलते हैं, लेकिन अगर उसे पूछे कि ट्रैप मसल कौन सा है तो वो बोलते हैं हाँ ये देखो ये ट्रैप मसल। लेकिन नहीं, देखो अगर आप एक बैक की एनाटॉमी देखो तो ट्रैप मसल यहाँ से स्टार्ट होकर आपके ऑलमोस्ट मिड बैक तक जाता है। मैं एक पिक्चर भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसमें कि बैक मसल में ट्रैप मसल कितना बड़ा मसल होता है। लोगों को लगता है सिर्फ अगर हम श्रग्स करेंगे तो ट्रैप मसल की ग्रोथ होगी। हाँ, श्रग्स एक आइसोलेशन की तरह देख सकते हैं कि हाँ सिर्फ एक ट्रैप मसल को अगर आपको फोकस करना है तो श्रग एक है एक्सरसाइज, लेकिन सिर्फ श्रग क्या एक्सरसाइज है? नहीं, बहुत सारे एक्सरसाइज है। आप अगर आप पुलअप भी लगा लेते तो भी आपके ट्रैप मसल हिट होने वाले हैं, अपराइट रोज में हिट होने वाले हैं, फिर लैट पुल डाउन में हिट होते हैं, सीटेड रो में भी ट्रैप मसल आपके काम करते हैं, कोई भी रोइंग मूवमेंट होगी या फिर अगर आप एक अपर बैक जब भी आप फोकस करते हैं रोइंग मूवमेंट पे तब आपके ट्रैप मसल हिट होते ही है। सो बहुत लोग का ये इशू है कि ट्रैप मसल ग्रो नहीं होते, हमारी बैक मसल ग्रो हो रही है, हमारी विड्थ आ रही है लेकिन ट्रैप्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक आप अगर आप कर रहे हैं कि आप ट्रैप सबसे लास्ट में वर्कआउट करते हैं। मैंने बहुत लोग को देखा है शोल्डर जब लगाते हैं शोल्डर के सबसे लास्ट में वो लोग ट्रैप्स मसल को वर्कआउट कर देंगे, सब पूरा शोल्डर एक्सरसाइज होने के बाद सबसे लास्ट एक्सरसाइज उनकी श्रग्स होती है। तो ये मत कीजिए, आपको आप स्टार्टिंग में ही श्रग्स कर लीजिए, श्रग्स और अपराइट रो के सुपर सेट कर लो स्टार्ट में, तब आपका एक अच्छा माइंड मसल कनेक्शन भी बनेगा और एक आप बहुत ही मोटिवेशन मोड में रहते हैं स्टार्टिंग में, तो आप थोड़ा हैवी लिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में जब कोई भी एक्सरसाइज के लास्ट में आप थक जाते हैं, आपकी मसल्स फटीग हो जाती है तो आप उतना अपना 100% नहीं दे पाते श्रग्स में। तो श्रग्स सबसे स्टार्टिंग में करो, ये मेरी पहली टिप है कि आपके अगर ट्रैप्स ग्रो नहीं हो रहे। सेकेंड टिप है कि रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन से मेरा मतलब है कि लोग पूरा रेंज कवर नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को देखा कि ये ऐसे करते हैं ट्रैप्स, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक सिंपल टिप देता हूँ, आप अपने इस शोल्डर बोन को यहाँ पे ट्रैप मसल एंड होकर आपके साइड डेल्ट स्टार्ट होते हैं, उस बोन अगर आप टच करेंगे तो एक बोन आपको फील होगा, उस बोन को आप ए पॉइंट कंसिडर करो और आपके ईयर के एंड को आप बी पॉइंट कंसिडर करो। तो आपका काम यह है कि ए पॉइंट को बी पॉइंट की तरफ लेके जाना। तो यानी कि जब भी आप श्रग्स करेंगे तो आपका काम होगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना, वापस नीचे पूरा ऊपर जाके होल्ड करके स्क्वीज करना, आपको फील आना चाहिए। वो सिर्फ ये करेंगे तो नहीं होगा, आपको पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर आके स्क्वीज करना है और पूरा नीचे छोड़ना है। स्ट्रेचिंग और स्क्वीज, इससे ही मसल ग्रो होता है, इसे ही बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन, और आपका पूरा माइंड कनेक्टेड रहना चाहिए आपके ट्रैप्स के साथ। थर्ड टिप है कि यूज़ वेरिएशंस। मैंने बहुत लोगों को देखा है सिर्फ डंबल श्रग्स करते हैं या बारबेल श्रग्स करते हैं, गलत है। आपकी बॉडी प्लेटो हिट करेगी, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी डंबल श्रग्स और बारबेल श्रग्स से। तो अच्छा तरीका है कि आप अपराइट रोज है या फिर प्लेट्स या 45 पाउंड की जो प्लेट्स है वो साइड में होल्ड करो और उससे श्रग्स लगाओ। फिर बिहाइंड द बैक श्रग्स है, बिहाइंड द बैक अपराइट रोज भी मैंने देखी है एक्सरसाइज। एक सबसे मुझे बेस्ट एक्सरसाइज लगी वो है डंबल्स, ये साइड में डंबल्स और उसके बाद सुपर सेट फ्रंट में डंबल्स, यानी कि आप साइड में डंबल्स होल्ड करेंगे श्रग लगाएंगे और वही डंबल्स आगे होल्ड करेंगे और श्रग लगाएंगे। और एक मसल है कि डिक्लाइन बेंच प्रेस की मशीन होती है, जो मशीन आप देखेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस की, उसके साइड के हैंडल्स होते हैं, उस पर भी आप श्रग लगा सकते हैं। तो हर एक एंगल से हिट करो अपने ट्रैप्स मसल को। और एक एडवांस टेक्निक है कि अगर आप सीटेड रोज लगा रहे हैं तो सीटेड रो में आपको जैसे बताया कि चेस्ट अप बैक आर्च और आपको सीधे पीछे खींचना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे बैठने से थोड़ा सा पीछे होकर बैठिए और खींचते वक्त अपने ऊपर की तरफ खींचिए। आप स्टमक के ऊपर खींचते हैं तो थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिए ताकि आपके ट्रैप्स मसल भी एंगेज हो जाए। तो ये मैं एडवांस टेक्निक कई हफ्तों से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले थे इससे, लेकिन मैं वेरिएशन करता रहता हूँ। मैं शोल्डर के दिन ट्रैप्स ट्रेन करता हूँ और बैक के दिन भी ट्रैप्स मेरे ट्रेन हो ही जाते हैं। लोगों को लगता है ट्रैप्स सिर्फ शोल्डर के दिन ट्रेन करना है, अगर पूछो कि ट्रैप्स कब ट्रेन करते हो, हाँ शोल्डर के दिन लास्ट में एक्सरसाइज श्रग लगाता हूँ। ये हाफ नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैप्स ऐसा मसल है जो आपका शोल्डर भी कनेक्टेड है और आपका बैक भी कनेक्टेड है। तो सिर्फ आप अगर आप ये बोलेंगे कि सिर्फ शोल्डर के दिन ही ट्रैप्स ट्रेन करता हूँ तो गलत है, नहीं, आपका ज़्यादातर ट्रैप्स तो बैक के दिन ही ट्रेन हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलता हो। तो बस यही है कि यही तीन टिप है कि अगर आपको अपने बैक ग्रो करना है तो यही आपको फॉलो करना होगा, कोई शॉर्टकट तो है नहीं। मैं हमेशा यही बता रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ अपना माइंड मसल कनेक्शन बनाए रखो
एक ऐसा वेट चूज करो कि आपको पूरा स्क्वीज मिले, एकदम हैवी भी मत जाओ, एकदम लाइट भी मत जाओ, स्क्वीज करो, फॉलो दिस टिप्स। और प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास और कोई अच्छा वेरिएशन होगा तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।